धरती के लोगन के हम पांव लागित है। पीएम मोदी ने खेला ब्राह्मण कार्ड। ब्राह्मणों के पैरों पर नतमस्तक हुए मोदी, मंच से बोला पांव लागी। योगी पहले से कर रहे हैं ब्राह्मण जाप। पूर्वांचल में भाजपा का ब्राह्मण जाप। 16 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में थे। पीएम मोदी ने सुल्तानपुर पहुंचकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लाखों की भीड़ को संबोधित किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उपयोगिता को समझाया और बड़ी बड़ी बातें की, जिसमें कुछ काम वाली थी और कुछ झाम वाली। पीएम मोदी ऐसी छोटी बड़ी बातें हर कार्यक्रम में करने के लिए मशहूर है। लेकिन सुल्तानपुर की इस रैली में पीएम मोदी ने जब हाथ जोड़कर अवधि भाषा में पांव लागी कहा तो लोग हैरान रह गए। धरती के लोगन के हम पांव लागित है। पांव लागी भले पूर्वांचल में अभिवादन करने का प्राचीन और प्रसिद्ध तरीका है, लेकिन चर्चा है कि मोदी का पांव लागी सियासी है। चुनाव सिर पर है, बिना पंडितों के आशीर्वाद के उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी संभव नहीं है। पिछले कुछ घटनाक्रमों को लेकर सीएम योगी पंडितों के निशाने पर हैं, जो कि भाजपा के लिए बड़ी टेंशन का विषय बना हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी ने सुल्तानपुर पहुंचकर जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वहीं पांव लागी बोल भाजपा के डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास भी किया। हम पांव लागित है। दरअसल पूर्वांचल में लोग ब्राह्मणों को पांव लागी बोलते हैं, बदले में पंडित आशीर्वाद देते हैं। अब मोदी ने पंडितों का पांव पकड़ा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या पंडित मोदी को आशीर्वाद देकर 2022 में भाजपा की सत्ता में वापसी कराएंगे। आपको बता दें कि दो दिन पहले सीएम योगी ने भी ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में जाकर ब्राह्मणों को धर्म का रक्षक बताया था। सीएम योगी ने ब्राह्मणों को चाणक्य का वंशज बताते हुए राष्ट्र निर्माता भी बताया था। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है, जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत के सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अड़िग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है और उसको कोटि कोटि नमन करते हुए सदैव श्रद्धा भाव के साथ देखता है। भारत तब महान बना था जब चाणक्य इस देश में भारत को एक नई दिशा दे रहा था। और आप सब चाणक्य के वंशज हैं, आचार्य चाणक्य की उस परंपरा को आत्मसात करिए। सीएम योगी की चाणक्य की नीति हो या मोदी की पांव लागी, दोनों का कितना असर पंडितों पर होता है ये 2022 विधानसभा चुनाव का नतीजा ही बताएगा। अगर भाजपा की वापसी हुई तो समझो कि मोदी की पांव लागी का आशीर्वाद पंडितों ने दिल खोल कर दे दिया, और अगर नहीं आई तो समझो योगी सरकार को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया है। स्पेशल रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।